वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप एक आईपी कैमरा को किस तरह से डायरेक्टली अपने टीवी पर देख सकते हैं। मेरे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आईपी कैमरा के लिए क्या एनवीआर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या हमें मस्ट है एनवीआर परचेज करना, क्योंकि इस टाइम के अंदर में एनवीआर की रिक्वायरमेंट तो सभी को है, पर कॉस्टली होने के कारण में, उसका सेटअप हाई होने के कारण में लोग पूछते हैं। जैसे शॉप वाले हैं तो उन्होंने का पूछना है, सर हमको तो एक ही कैमरा लगाना है तो हम क्या करें, क्या हमको पूरा सेटअप लेना पड़ेगा, हार्ड डिस्क के साथ में इंक्लूड करके एनवीआर भी लेना पड़ेगा। तो मैंने उनका रिस्पॉन्स मेरा रहता है कि नहीं, आप डायरेक्टली एक कैमरा परचेज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्मल कैमरा देखने को मिलता है आपको, उसी तरह का ये कैमरा रहता है, आईपी कैमरा रहेगा। इसके अंदर में पीछे आपको जैक मिल जाएगा जहाँ पे आप लैन केबल को कनेक्ट कर सकते हैं कैमरे के अंदर में। उसको आपको डायरेक्टली इंसर्ट करना है कैमरे में, और आप इसके अंदर में आपको एसडी कार्ड का पोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आप 64 GB तक का एसडी कार्ड सपोर्ट करता है, वो आप इंसर्ट कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग इंटरनल इसके अंदर में 5 to 7 days की रिकॉर्डिंग इन बिल्ट कैमरे के अंदर ही हो जाती है। आपको एक्सटर्नल एनवीआर लगाने की या हार्ड डिस्क लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब आपको करना क्या है, किस तरह से कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको चाहिए रहता है एक स्विच, नेटवर्क स्विच जिसको बोलते हैं, जिसमें RJ45 केबल जो है, कनेक्टर है हमारे, इंसर्ट हो जाते हैं, जो कंप्यूटर की लैन केबल आती है सिंपल वे में बोलें तो, उसी को कनेक्ट करने के लिए। तो हमको कैमरा कनेक्ट करना है इसके अंदर में, और एक केबल और कनेक्ट करनी है जो कि हमारी कनेक्ट हो जाएगी टीवी के साथ, जो आपका स्मार्ट टीवी रहेगा उसके अंदर भी आपको लैन का पोर्ट मिलेगा, वो कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह की आपको पैच कोड लेनी है, इसको पैच कोड बोलते हैं सिंपली, लैन केबल का पैच कोड बोलते हैं। आप स्टेज कंप्यूटर की दुकान पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे इस तरह का, 1 मीटर या 1.5 मीटर की वायर आपको मिल जाएगी। इसके अंदर में दोनों तरफ कनेक्टर लगे रहते हैं, रेडीमेड होती है, और उसको आपको स्विच में कनेक्ट कर देना है एक तरफ, और एक तरफ लगा देना है अपने टीवी के पीछे लैन पोर्ट में, और वैसे ही सेम अपने कैमरे के साथ में, आईपी कैमरे के साथ में ही कनेक्ट कर देना है और इस स्विच में लगा देना है। जब आप इनको लगा करके पावर ऑन करेंगे उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, अपने टीवी पे जाना है और टीवी के अंदर में जो मोबाइल की ऐप है उसको इंस्टॉल कर देना है। उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है वो आप देख लीजिए। आप अपने टीवी पर आ जाएंगे और सिंपली आपको ऐप सेक्शन में जाना है। ऐप सेक्शन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे इनबिल्ट आपको ऐप नहीं मिलेगी तो आपको अलग से इंस्टॉल करनी है। एंड्रॉयड टीवी के गूगल प्ले स्टोर के अंदर भी आपको वो ऐप नहीं मिलेगी, आपको अलग से पेनड्राइव के अंदर में उसकी APK फाइल को डाउनलोड करना है और ES फाइल एक्सप्लोरर में आ कर के उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तब आपको ES फाइल एक्सप्लोरर के अंदर में ऐप सेक्शन में वो फाइल का APK फाइल मिल जाएगा और उसको डायरेक्टली रन कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है पहले, फिर उसको रन कर लेना है। जैसे मैं बात करता हूँ हिकविजन की ऐप की, तो आपको इसमें मिल जाएगा, ये देखिए आप IVMS 4500 ऐप है, इसको ओपन कर लेंगे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में जैसे ही आप सब कुछ कनेक्ट कर देंगे अपना कैमरा और उसको, ये आपका डायरेक्टली व्यू आने लग जाएगा फर्स्ट नंबर में। सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखेंगे आप तो ये होने लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। तो सिंपली कोई भी एनवीआर की रिक्वायरमेंट रही रहती है, अगर आपकी एक ही शॉप है, सिंपल सी आप चाहते हैं कि एक ही कैमरा मुझे लगाना है, डायरेक्टली रिकॉर्डिंग मेरे को मिल जाए, तो वो आपका इनबिल्ट आईपी कैमरे में ही ऐसी फैसिलिटी होती है जो आपको रिकॉर्डिंग करके दे सकता है। अगर आप नॉर्मल HD कैमरा या एनालॉग कैमरा लगाते हैं तो आपको कंपलसरी हो जाता है DVR लेना। DVR लेने के साथ साथ में आपको उसके अंदर HDD हार्ड डिस्क भी लगानी पड़ेगी, जो का उसका अलग से एक्सपेंस होगा।
हार्ड डिस्क 3 से 4 हज़ार रुपये की नॉर्मल डेस्कटॉप की हार्ड डिस्क आती है और सर्विलेंस हार्ड डिस्क ज़्यादा आती है। तो उन खर्चों से बचने के लिए डायरेक्टली आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करें, एसडी कार्ड इंसर्ट करें और डायरेक्टली उसका लाइव इनपुट देख सकते हैं आप। तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा चैनल के साथ में। नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।